सिंगर सोनू निगम ने किया था ऑनलाइन कॉन्सर्ट, जिस पर फैंस का उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। देख लीजिए इसकी ये कुछ झलकियां। हेलो नमस्कार, देवी सुजनों आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो जो है ये आप लोग के लिए थैंक यू के लिए है। आपने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट दिया परसों। 1 million people saw visited us and 600,000 people, more than 600,000 people saw the show. This makes this show as my biggest ever audience. So lots of gratitude to all of you. कमाल है, हमने एक negative situation को इतना positive में परिवर्तित कर दिया। जो दुआएं मुझे मिली हैं, जो दुआएं, जो थैंक यू लोगों ने भेजा, gratitude, अभी तक मैं मेरे WhatsApp चेक नहीं कर पा रहा हूँ। इट इज फिल्ड विद मैसेजेस एंड ऑफ कोर्स फेसबुक एंड इंस्टा। आई एम, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू चेक ऑल दीज मैसेजेस, रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द थैंक यू हैव गिवन, दैट यू हैव गिवन अस, दैट यू गिवन मी। कमाल हो गया। आई शुड डू इट मोर ऑफन एंड आई एम नाउ थिंकिंग कि मैं आगे नेक्स्ट क्या करूँ। यहाँ बैठ के music is something, entertainment is something, everybody connects with it, and I wish people learn how to stay more happy, because I think समझदार लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं बता दूं कि खुशी कहीं बाहर की सिचुएशन से नहीं बन के आती। मैं चाहूं तो मैं इस बात का बहुत मलाल कर सकता हूं कि मैं तो दुबई में अटक गया हूं, मेरे पापा इंडिया में हैं, मेरी बहन इंडिया में है, मेरा घर इंडिया में है, और मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। मैं मेरे फार्म हाउस है कर्जत में, आई कुड हैव गॉन देयर एंड आई कुड हैव बीन विद द वेजिटेशन ओवर देयर डूइंग थिंग्स, एकदम सबसे अलग होके मैं वहाँ रह लेता। बट मैं सोच रहा हूँ कि जो ईश्वर को मंजूर, जो मालिक को मंजूर वो चाहता है, तो मैं यहाँ पर भी इन सिचुएशंस को पॉजिटिव बना सकता हूँ। कर तो दिया मैंने परसों थोड़ा सा, मैंने क्या किया, मतलब इंसान तो सोचता है और देने वाला ईश्वर है, अल्लाह है। सो वी हैव डन समथिंग गुड एंड आई होप वी कैन कंटिन्यू डूइंग दैट इन द फ्यूचर ऑल्सो। आप लोग खुश रहिए, और मुझे मालूम पड़ा कि कर्फ्यू लग गया है इंडिया में, बहुत सही किया। दांतों की भूत बातों से नहीं मानते। आप लोगों ने जो 9 बजे के बाद में जो धमाल मचाया है, सब ने नहीं ऑफकोर्स, कुछ गधों ने धमाल मचाया था, इससे क्या पूरा पर्पस ही खराब हो जाता है। यू जस्ट diluted the whole purpose of the janata curfew. Not all of you, of course, I can't blame, because we have to look at the positive side. Not everybody did that. Some stupid people came on the streets and made a fool of themselves. Isliye curfew lagana bhi bada acha kiya pradhanmantri modi ji, bahut bahut acha kiya aapne curfew laga ke, aur I hope aap is baat ke bhi thoda be proud of yourself that India is a country of 1.3 billion people, and there till last night I thought there were about more than 400 cases and 7 deaths till last night, which I didn't know. But badi baat hai, aap log kuch acha kar rahe hain, acha hi karte rahiye, samajhdar rahiye, aur dukanon mein ja ja ke sara maal samete nahi, lootiye mat. Kaha gaya hai ki grocery stores khole rahenge, Dubai mein bhi aisa hi hai, grocery stores khole hue hain, malls wagera band hain, to kisi ko bharne ki avashyakta nahi hai. Of course, but stay indoors, this is something unprecedented in our lifetime. और हम लोग जो आज देख रहे हैं, आपको पता है फ्यूचर में बच्चे इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि हम इससे जल्दी निजात पाएं, बट दिस इज हिस्टोरिक, लाइक वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोरोना वायरस इसको भी अनादर, जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर लेके आ गया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड आई एम साथ वर्क करता हूँ, बाय। और इसके पहले कि कुछ लोग इस बात पे आपत्ति उठाएं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू क्यों बोल दिया, तो प्रधानमंत्री से थैंक यू बोलना उनका बनता ही है। बाकी मुझे पता है कि सब स्टेट्स में कर्फ्यू नहीं है, कुछ में है, ये भी मैं जानता हूं। तो ये मत बोलने का, अरे तुझे पता नहीं है, तुमको पता नहीं है, स्प्रेडिंग फेक इन्फॉर्मेशन। आई नो नॉट एवरी स्टेट इज ऑन कर्फ्यू, बट आई एम श्योर महाराष्ट्र में कर्फ्यू हो गया है, थैंक्स टू उद्धव ठाकरे जी एंड शिवसेना। सो कीप इट अप, ओके। We'll be right back.